देवघर में श्रावणी मेला इस बार 2 सालों के बाद लग रहा है। कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से श्रावणी मेला के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। अगर आप भी इस मेले में शामिल होने का मन बना रहे हैं तो आपको इन नियमों को जानना जरूरी है। बिना मास्क के प्रवेश निषेध होगा। मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग और गृह विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवरिया पथ पर बालू बिछाने, देवघर में प्रवेश के पथों पर रोड मार्किंग का काम तेजी से किया जा रहा है। कांवरियों के रास्ते में जगह जगह शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। बंद जगह, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्तरां समेत गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज आदि में भी SOP का पालन अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर प्रतिबंध होगा। बंद जगहों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन 40 लाख रुपए खर्च कर मेट्रो गेट की तरह 8 एंट्री गेट लगवा रहा है। इसका टेंडर पटना की टेलीकॉम कंपनी ने लिया है। ट्रायल के लिए 5000 RFID डिजिटल स्मार्ट कार्ड लाया गया है। हर गेट में प्रति मिनट 8 से 10 लोग एंट्री करेंगे। देखा जाए तो सभी गेटों को मिलाकर प्रति मिनट 80 लोग गेट से प्रवेश कर सकेंगे। हर घंटे 4500 से अधिक लोगों को इस सिस्टम से जलापन कराया जा सकता है। भक्तों को ATM कार्ड की तरह कूपन मिलेगा। गेट पर पहुंचते ही कार्ड को गेट में बने बॉक्स में डालना होगा। कार्ड के डालते ही मशीन के अंदर कार्ड चला जाएगा और गेट खुल जाएगा। इस कार्ड को दोबारा दूसरे दिन उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर में रीप्रोग्रामिंग कर उपयोग किया जाएगा। इससे मंदिर को कूपन छपवाने और बार कोड आदि पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। कार्ड में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।